I'm Vandana and I welcome you all to my YouTube channel. So friends, how are you all? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में दिया हुआ जो एक बेल का सा आइकन बना होता है, प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कम टू नो माई लेटेस्ट अपलोड्स और यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स इन माई यूट्यूब चैनल. और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरी पिछली कई वीडियोज जो नहीं देखी हैं, बिकॉज आई हैव मोर देन 30 वीडियोज इन माई यूट्यूब चैनल, तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, कई सारी वीडियोज, सारी ही वीडियोज हेल्पफुल हैं ऑलमोस्ट, बट अगर आपके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, आप कुछ स्पेशल चीज जानना चाहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मैंने दी हुई है, वेदर इट्स अ सैलरी, वेदर इट्स अकॉर्डिंग लाइक DHA और वेदर एनी थिंग क्वेश्चन और एनी थिंग, सो सारी चीजें वहां पे दी हुई है. प्लीज आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में उन वीडियोज को देखिए और आपको खुद ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. फिर भी आपके पास कोई नया क्वेश्चन है सो देन प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो इन टूडेज वीडियो, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट फार्मा और फार्मेसी और एनीथिंग रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल्स. सो गाइज, कई सारे लोग हैं जो अकाउंटेंट की जॉब के बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं. मैंने पहले भी कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं और अभी रिसेंटली भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं, सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊं. तो फ्रेंड्स, जो लोग ने भी ये रिक्वेस्ट मुझसे की है अकाउंटेंट के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, सो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है. और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, कोई फैमिली में अकाउंटेंट है और अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं और वो UAE आना चाहते हैं, दुबई आना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं या आप भी इस वीडियो को सुन सकते हैं और फिर ये इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं. सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो. सो अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की. सो द क्वालिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बींग वर्किंग एज अकाउंटेंट हियर और वर्किंग इन एन अकाउंट डिपार्टमेंट हियर, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट हियर, इन एनी कंपनी, यू नीड टू हैव अ क्वालिफिकेशन इन अकाउंटेंसी, इन अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट इन फाइनेंस. यू शुड हैव MBA, आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास कोई और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. और कुछ छोटी फर्म्स हैं जो कि जरूरी नहीं है मास्टर्स डिग्री पे ही बेस्ड हो, बट हाँ, अगर कोई अच्छी पोजीशन है, जॉब वैकेंसी अच्छी पोजीशन है, अच्छी सैलरी ऑफ कर रही है, तो वो आपसे ऑफकोर्स MBA की डिग्री की ही डिमांड लोगों की रहती है. बट अदरवाइज बैचलर्स अगर आपके पास है देन बैचलर्स ऑल्सो वर्क्स. सो यू कैन, इफ यू आर अ बैचलर इन दिस फील्ड, इन अकाउंटेंट, इन फाइनेंस, यू हैव डन MCOM, यू हैव डन MBA, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स. आपके पास अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा होम कंट्री का, इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस इज काउंटेड. और ऑफकोर्स मतलब कि आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर ही काउंट होते हैं, यहाँ पे आपको वो इस तरह से नहीं लेते हैं कि यू नो, क्योंकि कई चीजें हैं जो आप फिर यहाँ पे आके सीखते हैं. ऑफकोर्स आपको करना आता है फ्रॉम, यू हैव दैट बैकग्राउंड फ्रॉम योर होम कंट्री, बट यहाँ पे आके भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अपना होम कंट्री का एक्सपीरियंस है इन अकाउंटेंसी और एज एन अकाउंटेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट भी एक ऐसी पोजिशन होती है जिसका जिसकी वैकेंसी सारे डिपार्टमेंट्स में होती है, वेदर इट्स अ बिग बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस, बिग कंपनी, स्मॉल कंपनी, एक अकाउंटेंट हर कंपनी में होता है. तो यहाँ पर भी अकाउंटेंट की जॉब्स हमेशा रहती हैं. तीन पोजीशंस यहाँ पे रहती हैं अकाउंटेंट्स के लिए, लाइक असिस्टेंट अकाउंटेंट, दैट इज इफ यू आर अ फ्रेशर, तो आपको फ्रेशर अकाउंटेंट की पोजीशन नहीं होती है और तो वो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट की तरह से रख लेते हैं. तो देयर यू वर्क एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड यू आर ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो अ ट्रेनी बिकॉज यू डोंट नो मेनी थिंग्स हाउ द कंपनीज ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन इन दैट फील्ड. सो अंडर योर सीनियर अकाउंटेंट और द पर्सन हु इज अबव यू, यू वर्क अंडर दैट पर्सन एंड यू लर्न मेनी थिंग्स, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट्स, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द
other data sheets regarding the accountancy of that company. So you work as an assistant accountant. Sometimes there is a vacancy for accountant, and also sometimes there is vacancy for senior accountants. That is for any big firms where they have a big business. So unki ek accountant ki apni team rehti hai. डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, वेयर देर इज नॉट ओनली वन पर्सन हैंडलिंग एवरीथिंग द होल अकाउंट ऑफ द कंपनी, बट देर आर 3-4 पीपल हु आर हैंडलिंग द अकाउंट ऑफ द कंपनी. सो वहां पे एक सीनियर अकाउंटेंट होगा, एक अकाउंटेंट होगा, कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट इस तरह से होगा. तो दैट विल बी हु विल बी अ फ्रेशर और वो छोटे छोटे काम देखेगा. सीनियर अकाउंटेंट होगा जिसको फिर सारा कुछ देखना होगा, जो भी नीचे मतलब उनसे नीचे पोजिशन पे जो भी काम कर रहे हैं अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट. सो ऑल द थिंग्स विल बी फाइनलाइज एट लास्ट बाय द सीनियर अकाउंटेंट. तो इस तरह से 3 पोजीशंस हैं जो कि वहां पे रहती है व्हेन यू आर वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट. एंड देन फ्रेंड्स, सैलरी अकाउंटेंट की अच्छी है और बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं जो अकाउंटेंट्स को मिलते हैं. बेनिफिट्स यहाँ पे सबके लिए ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के जो लेबर लॉ है उसने वो बनाए हुए हैं रूल्स. सो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कंपनी को, हर डिपार्टमेंट को फॉलो करने होते हैं. जैसे कि आपको 2 ईयर्स का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा, आपको पेड ट्रिप मिलेगी अपनी होम कंट्री के लिए, एनुअल लीव मिलेगी 1 मंथ की, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और आपको अकोमोडेशन अलाउंस या फिर अकोमोडेशन मिलेगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या फिर कंपनी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी. कई कंपनीज है जो पिकअप एंड ड्रॉप आपका करती है, जहाँ पे भी आपने रूम है, जहाँ पे भी आपका फ्लैट है, वहां से आपका पिकअप होता है, वहीं पे आपका ड्रॉप ऑफ होता है. सो दीज काइंड ऑफ सम बेनिफिट्स आर देयर दैट आर गिवन बाय द कंपनी. और फिर कई कई जगह पे आपको कमीशन मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं. कई सारी जॉब्स होती हैं जो कि इंसेंटिव्स देती हैं, कमीशन बेस्ड जॉब होती हैं, तो वो चीज़ों का बेनिफिट भी आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी. सैलरी तो आपकी कुछ ना कुछ होती ही है उसके अलावा. सो गाइज, सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सीनियर अकाउंटेंट की सैलरीज तो काफ़ी अच्छी रहती हैं. अगर यहाँ पे यूएई का उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो अबव 10,000, अबव 15,000 उनकी सैलरीज रहती हैं. और अगर आप स्टार्टिंग है आपका, आप फ्रेशर आ रहे हैं, फर्स्ट जॉब है, तो 3,000 से 3,500 ऐसा कुछ आपका सैलरी स्टार्ट रहेगा, रेंज रहेगा. कहीं कोई कंपनी आपको 4,000 भी ऑफर कर सकती है. एंड देन स्लोली लाइक 6 महीने बाद फिर आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है. एंड आफ्टर दैट देर इज सर्टेन इंक्रीज. देर आर मेनी कंपनीज हु डू सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्रीज आफ्टर 6 मंथ आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रोबेशन पीरियड इन द कंपनी. तो कई कंपनीज में इस तरह के रूल्स भी हैं, नहीं तो फिर ईयरली इंक्रीमेंट तो सैलरी में यहाँ पे रहता ही है. कुछ ना कुछ मोस्टली कंपनीज करती हैं, ऑल कंपनीज आई विल नॉट से, बट मोस्टली कंपनीज करती हैं ईयरली इंक्रीमेंट, थोड़ा बहुत सैलरी में आपको मिलता है. सो एंड देन अकाउंटेंट एक ऐसी पोजीशन है फ्रेंड्स जो कि हर कंपनी में, हर बिजनेस ओनर को एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है. इनफैक्ट एक छोटी सी शॉप भी है, बहुत छोटा सा कोई बिजनेस ओनर भी है यहाँ पर, उसको भी एक अकाउंटेंट की इस टाइम पे जरूरत रहती है. जरूरी नहीं है कि वो आपको फुल टाइम हायर करे या आप वहां पे बैठ करके फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप वहां पे एज अ पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, जब से ये वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, सो ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ओनर्स रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू कंप्लीट देयर वेट प्रोसेस ऑफ एवरी मंथ. एट द एंड ऑफ द मंथ दे हैव टू सबमिट दिस वेट रिपोर्ट. ओके, सो इसलिए भी उन लोगों को होती है. तो जो भी छोटे बिजनेस ओनर्स हैं हु कैन नॉट हायर अ फुल टाइम अकाउंटेंट, दे हायर अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट और अकाउंटेंट हु कम वंस और ट्वाइस इन अ वीक. ओके, एंड हु कैन लुक आफ्टर देयर अकाउंट एंड स्पेशली द वेट पार्ट, एंड यू गेट पेड दैट पार्ट टाइम जॉब, यू गेट पेड अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से भी एक साइड काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वेट के आने से यहाँ पे अकाउंट्स का काम काफी और भी बड़ा है. बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अ स्पेशल रिपोर्ट फॉर वेट, बिकॉज वेट सारे प्रोडक्ट्स पे, हर चीज पे वेट है. सो बिकॉज ऑफ दैट
देर इज मोर वर्क फॉर अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट की ओवरऑल अगर हम बात करें यूएई में, सो इट्स लाइक अ गुड फ्यूचर, अ ब्राइट फ्यूचर, अ स्टेबल जॉब एंड ऑल्सो अ स्टेबल करियर हियर इन यूएई. और सैलरी भी अच्छी है. और लाइक बेसिकली फ्रेंड्स, लाइक व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री, आपको एज अ फ्रेशर की ही जॉब मिलेगी. आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो, फिर भी लाइक मिल जाएगी, लेकिन फिर भी उतनी नहीं मिलेगी. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है तो नहीं मिलेगी उतनी ज्यादा. लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे अपनी इंडिया की सैलरी से और यहाँ का जो आपको मिलेगा, तो उस बेसिस पे आपकी वो सैलरी फिर भी बहुत बहुत अच्छी होगी और वो अमाउंट काफी काफी ज्यादा होगा जो आपको इंडिया में मिल रहा था उससे. तो फ्रेंड्स, करियर यहाँ पे बहुत अच्छा है अकाउंटेंट का. जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, वैकेंसीज निकलती रहती हैं. आजकल कोविड के टाइम पे भी जॉब वेबसाइट्स पे मैं ये जो अकाउंटेंट की पोजीशंस हैं ये मैं देखती रहती हूँ. तो आप लोग घर बैठे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट्स रहती हैं अपनी, उनका पेज ओपन कीजिए, वहाँ पे करियर सेक्शन, वैकेंसीज सेक्शन को ओपन कीजिए, वहाँ पे जाके अपना पूरा डिटेल्स डालिए, अपने डॉक्यूमेंट्स डालिए, अपना CV, अपना रेज्यूमे, अपना कवर लेटर और जो भी आपके पास अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, पासपोर्ट है, सारी चीजें अपलोड कीजिए. अपनी एक फोटो भी अपलोड कर सकते हैं तो अपनी फोटो भी अपलोड कर लीजिए. अदरवाइज CV में अगर फोटो है देन इट्स वेल एंड गुड. सो फ्रेंड्स, आप घर बैठे हुए भी अपने लिए जॉब वहां से सर्च कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन कम हियर, यू कैन अप्लाई फॉर द अकाउंटेंट जॉब. एंड दिस वीडियो वॉज अबाउट अकाउंटेंट्स इन UAE. के सो आई होप मैंने सारी बातें आप लोगों के संग शेयर कर ली है इस पोजिशन के बारे में. और अच्छी बात यह है कि अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. लाइक हम फार्मासिस्ट हैं तो हम लोगों को यहाँ पे लाइसेंस भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और उसके लिए अलग फी हम लोगों को पे करनी पड़ती है. प्रोसेस होता है पूरा और एग्जाम देना पड़ता है. बट इन केस ऑफ अकाउंटेंट दिस इज वेरी गुड कि वो सब कुछ आप लोगों के साथ कुछ नहीं होता है. आपको डायरेक्ट अपनी ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस आपको जॉब मिल जाती है ना. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियोज गाइज. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा. सो अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कुछ लोग हैं जो इस फील्ड को बिलोंग करते हैं, अकाउंट्स को, फाइनेंस को, तो आप लोग ये वीडियो उनके संग शेयर कर सकते हैं, उन लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं. और जिन लोगों ने मुझसे इस बारे में पूछा था, सो आई होप आप लोगों को आज इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन पूरी मिल चुकी होगी. और इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन.